भोजन मिलता है खाने के लिए तो वहां एक्स्ट्रा खा लेता है क्योंकि वो नया नया चीज होता है, तेल मसाला यदि मिला होता तो दबा के आदमी हुमच देता है अंदर में। अब इससे क्या होता है पूरा उसका लूज मोशन स्टार्ट होने होता है क्योंकि लीवर प्रॉपर तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। हेलो माय डियर्स, आई होप यू विल बी हेल्दी वेल्दी हिट एंड फिट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चीफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी आदमी के बॉडी में चीफ ऑर्गन मुख्य अंग क्या क्या है। तो हमने कुछ लिखा है यहाँ पर हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग्स, ये पांच जो बॉडी का है ये चीफ ऑर्गन है। ऐसे हमारे बॉडी में सब चीफ ऑर्गन ही है लेकिन उन सबों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये पांचों ऑर्गन है। अगर ये ना रहे हमारे बॉडी में तो फिर बॉडी का कोई वजूद ही नहीं है, फिर हमारा बॉडी फंक्शन लॉस हो जाएगा। जैसे कि हार्ट ना हो तो ब्लड सप्लाई ना होगा, ब्रेन ना हो तो किसी तरह का फंक्शन बॉडी का हो ही नहीं पाएगा, लीवर ना हो तो जो हम खाना पीना खाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं कर पाएगा, और किडनी अगर ना हो तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यूरिन वगैरह के थ्रू निकलता है बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल वो नहीं निकल पाएगा। लंग्स ना हो तो गैस का ब्लड में मिलना और ब्लड से वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 का निकलना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये पांच ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी का है ये चीफ ऑर्गन है, अगर इतना में से एक भी खत्म हो गया तो आदमी भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सभी ऑर्गन के बारे में बताएंगे। ये हार्ट है, हार्ट हमारे बॉडी का चीफ ऑर्गन है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में स्टडी करते हैं। हार्ट बेसिक रूप से इसका वेट मेल में होता है 300 ग्राम एंड फीमेल में होता है 250 ग्राम, और इस हार्ट का जो शेप है वो कॉनिकल शेप का होता है जो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड को पंपिंग करके बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी के सेल से ब्लड को रिसीव भी करता है। ये कई काम होता है हार्ट का। ब्रेन, ब्रेन का जो वेट है ये लगभग होता है 1400 ग्राम मेल में और 1300 ग्राम फीमेल में। ये ब्रेन आपका स्कल यानी खोपड़ी के अंदर में प्रेजेंट होता है और इस ब्रेन का मेन काम होता है बॉडी के सभी फंक्शन को कोरिलेट करना और बॉडी में जो भी बैलेंस है इम्बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस बना के रखना, किसी भी तरह का सेंस होता है उसको फील करना, ये ब्रेन का काम होता है। डिसीजन, पर्सनालिटी, आपकी जो राइटिंग है, स्पीकिंग, स्पीच देना होता है, या आपकी जो भी एक्टिविटी हो रही है बॉडी का वो सारा कुछ आपका ब्रेन ही करता है। तो समझ गया कितना इंपॉर्टेंट है ये ब्रेन। लीवर, लीवर का जो शेप है वो ट्राइएंगुलर यानी कि ये कैसा होता है, ये इस तरह का शेप का बना हुआ था लीवर, और इसका जो वेट होता है मेल में 1500 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम। बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है ये लीवर, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर बॉडी का। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा बॉडी का है स्किन, जिसका वजन 2.7 kg होता है, यानी 2 kg 700 g हमारा किडनी का वे स्किन का वजन होता है। चलिए तो लीवर क्या काम करेगा, जो भी आदमी खाता पीता है उसमें से फैट को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और भी जो आदमी अल्कोहल लेता है उसको भी रिमूव करना, मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई, मेडिसिन को भी तोड़ना, मेटाबोलाइज करना, और अल्कोहल को भी उसको डिटॉक्सिफाई करना। तो ये सारा फंक्शन आपका लीवर का होता है। अगर कोई भी आदमी का लीवर खराब हो जाए तो इतना फंक्शन नहीं हो पाएगा और डाइजेशन का प्रोसेस उसका बिगड़ जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। कभी कभी क्या लोग भोज में जाते हैं खाने के लिए तो वहां एक्स्ट्रा खा लेते हैं क्योंकि वो नया नया चीज होता है, तेल मसाला यदि मिला होता तो दबा के आदमी हुमच देता है अंदर में। अब इससे क्या होता है पूरा उसका लूज मोशन स्टार्ट होना शुरू होता है क्योंकि लीवर प्रॉपर तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया और आपका लीवर खराब हो गया। बोलता हूँ लीवर खराब हो गया, तो लीवर खराब होता है वास्तविक में उसका फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है और आपकी डाइजेशन प्रोसेस अस्त व्यस्त हो जाता है। तो लीवर कितना इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। किडनी, किडनी का जो ये प्रेजेंट है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होता है पोस्टीरियर साइड में जो रिब के से घिरा हुआ है, इसका वजन मेल में 170 ग्राम और फीमेल में 150 ग्राम होता है। यह किडनी बीन शेप का होता है, इसका मेन काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और यूरिन को बना करके बॉडी के बाहर निकालना, क्योंकि तो यूरिन के थ्रू क्या निकलता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारा जो एमिनो पैरामिनोपेरिक एसिड, ये सारा क्या है एक तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट है जो बॉडी में रहेगा तो कुरफाती करते रहेगा, जहां तहां जो मन सो करते रहेगा अपना, तो इसीलिए इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम ये किडनी ही करती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया किडनी। अगर देखिए लंग्स, लंग्स ये बॉडी का ये भी चीफ ऑर्गन है। ये जो लंग्स है ये दोनों कहां प्रेजेंट है, हार्ट के दोनों साइड में, यानी कि देखिए यहां पर ये हार्ट है तो इस साइड में राइट लेफ्ट लंग्स और इस साइड में
राइट लंग्स। तो लंग्स क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बॉडी के बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को रिसीव करती है और फिर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो यही काम होता है। इसका वजन मेल में राइट लंग्स का अलग अलग होता है, राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग। अब देखिए इसमें दो भाग आ जाएगा, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। तो लेफ्ट लंग्स का जो वजन होगा वो मेल में अलग अलग होगा, फीमेल में अलग अलग होगा। मेल में देखेंगे राइट लंग्स का वजन तो 600 ग्राम से 700 ग्राम वजन होता है और फीमेल में देखेंगे तो ये लगभग आपका 550 ग्राम से 650 ग्राम फीमेल में होता है राइट लंग्स का वजन। लेफ्ट लंग्स का वजन अगर देखा जाए मेल में तो 500 से 600 ग्राम होता है वजन लेफ्ट लंग्स का मेल में, और फीमेल में देखा जाए तो 450 ग्राम से 550 ग्राम वजन होता है लेफ्ट लंग्स का। तो इस तरह से ये पांच को जो हमारा बॉडी का जो चीफ ऑर्गन है, महत्वपूर्ण अंग है, इसके ऊपर हमारा बॉडी डिपेंडेंट है और इसी पर हमारा बॉडी का सारा फंक्शन चल रहा है। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं अगर इसमें से एक का भी प्रेजेंस ना हो तो बॉडी का फंक्शन अस्त व्यस्त और बेकार हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इस तरह से और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।